कौन था वो अबू लहब जिसके बारे में कुरान कहता है कि इसके हाथ टूट जाए और ये बर्बाद हो जाए। मोहम्मद का सगा चचा अबू लहब, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कई बार मोहम्मद की बहुत मदद की, मगर एक दिन अचानक कुरान में एक पूरी की पूरी सूरत अबू लहब को धमकियां देने के लिए नाजिल होती है, और फिर बदले के तौर पर अबू लहब की बीवी ने भी कुरान की आयतों की तरह दूसरी आयतें लिखकर मोहम्मद पर लानत भेजना शुरू कर दिया। क्या थी इसके पीछे की कहानी, जानेंगे पूरा वाक्या आज की वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो का आखिर तक। और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। द मोहम्मद, जिस सीरीज में अब तक हमने जाना कि कैसे मोहम्मद ने खदीजा और चाचा अबू तालिब के सहारे अपना इस्लाम फैलाया और अपने आप को सुरक्षित भी रखा, लेकिन उन दोनों की मौत होने पर उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। अबू तालिब, जो ना सिर्फ मोहम्मद का चाचा बल्कि कुरैश कबीले का सरदार भी था, उसने मोहम्मद की हिफाजत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसके मरने के बाद मोहम्मद के दूसरे चाचा अबू लहब को कबीले का नया सरदार चुन लिया जाता है। मुसलमानों का अक्सर ये मानना होता है कि अबू लहब एक बहुत बुरा आदमी था जिसने मोहम्मद की जिंदगी में जगह जगह रोड़े अटकाए, और ये इस्लाम और मोहम्मद का बहुत बड़ा दुश्मन था। अक्सर मौलवियों के बयानात, मोहम्मद की सीरत और उस पर बनने वाली मूवी या छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज में भी अबू लहब को एक बहुत बुरा इंसान दिखाया जाता है जिसने मोहम्मद के साथ बहुत धोखे किए और बिना वजह उसे परेशान भी किया। लेकिन तारीखी किताबों में ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं जिससे कुछ और ही पता चलता है। मसलन, मोहम्मद ने अपनी बेटियों की शादी अबू लहब के बेटों से की थी, जिसका साफ मतलब है कि इनके बीच ऐसी कोई दुश्मनी नहीं चल रही थी। इसके अलावा और भी ऐसे कई रेफरेंसेस मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि अबू लहब भी मोहम्मद की बहुत केयर करता था, बिल्कुल उसके दूसरे चाचा अबू तालिब की तरह। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद पर आयत नंबर 111 नाजिल हुई। मोहम्मद ने कुरान की सूरह नंबर 111 सूरत अल तब्बत में अबू लहब और उसकी बीवी को धमकाते हुए अल्लाह की मदद से ये सब आयतें नाजिल करवाईं, जो कि कुछ इस तरह हैं। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, ना तो उसका माल उसके काम आया और ना ही उसकी कोई कमाई, हालांकि इस कमाई का कुछ हिस्सा मोहम्मद के काम जरूर आया था। अब वो भड़कती आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी, जो सर पर लकड़ियों का गुट्ठा लादे हुए और उसके गले में एक रस्सी बंधी होगी। इस पूरी आयत में मोहम्मद सिर्फ और सिर्फ अबू लहब के एहसानों का बदला उसे दे रहा है, क्योंकि मोहम्मद पर बहुत एहसान करने वाला उसका चचा एक दिन इसकी हरकतों से तंग आ गया था, और फिर मोहम्मद इन आयतों के जरिए अबू लहब को ये धमकी दे रहा है कि मरने के बाद उसका कोई भी माल और दौलत काम नहीं आएगा और अब वो जहन्नुम की भड़कती आग में डाला जाएगा, और इसकी बीवी भी इसके साथ जहन्नुम में जाएगी, और ये अपने सर पर लकड़ियों का ईंधन लाएगी जिससे अबू लहब का ये अजाब और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो आइए जानते हैं कहानी इसके पीछे की, और आगे जानेंगे कैसे अबू लहब की बीवी ने भी कुरान की तरह आयतें बनाकर मोहम्मद पर लानत की। इसके पीछे की कहानी हमें इस्लामिक हिस्ट्री में कुछ इस तरह मिलती है कि मोहम्मद की परवरिश करने वाला उसका चचा अबू तालिब गरीब था, और एक वक्त वो आया कि अबू तालिब का बोझ हल्का करने के लिए इसके बाकी रिश्तेदारों ने अबू तालिब की कुछ औलादों को गोद ले लिया था ताकि अबू तालिब की मदद की जा सके, और इसी मौके पर ही मोहम्मद ने अली को गोद ले लिया था। जहां अबू तालिब गरीब था, वहीं दूसरी तरफ अबू लहब इन भाइयों में सबसे अमीर था, और अबू लहब ने कई बार अपनी जिंदगी में मोहम्मद की मदद भी की। मोहम्मद के पैदा होने से लेकर अबू तालिब की मौत तक के कई मौकों पर अबू लहब मोहम्मद के साथ खड़ा रहा। अरबी जबान में लहब आग के अंगारे या शोले को कहते हैं। अबू लहब का असली नाम अब्दुल उज्जा बिन अब्दुल मुत्तलिब था। इसका नाम अबू लहब इसलिए पड़ गया था क्योंकि इसके चेहरे की खूबसूरती और चमक दमक की वजह से इसे अबू लहब यानी शोले वाला कहा जाता था। इसी खूबसूरती के ताल्लुक से एक हदीस में यूं आता है कि रबिया अपने इस्लाम लाने के बाद अपने जाहिलियत का वाक्या बयान करते हैं
कि मैंने रसूल अल्लाह को जुल मजाज के बाजार में देखा, आप फरमा रहे थे कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो फतेह पाओगे। लोगों का मजमा आपके आसपास लगा हुआ था। मैंने देखा कि आपके पीछे ही एक गोरे चिट्टे चमकते चेहरे वाला, भेंगी आंखों वाला, जिसके सर के बड़े बालों की दो मणियां थी, आया और कहने लगा, लोगों ये बेदीन है, झूठा है। गर्स की आप लोगों के मजमे में जाकर खुदा की तौहीद की दावत देते थे और ये शख्स पीछे पीछे ये कहता हुआ चला जा रहा था। मैंने लोगों से पूछा ये कौन है? लोगों ने कहा ये आपका चचा अबू लहब है। अपनी सीरीज द मोहम्मद के शुरुआती एपिसोड में हमने ये बात बड़ी ही डिटेल में जानी कि जब मोहम्मद की पैदाइश हुई तब इसे पालने के लिए और इसकी खुराक पूरी करने के लिए मोहम्मद को बचपन में कई सारी औरतों के जरिए दूध पिलाया गया था, वो भी सिवाय मोहम्मद की अपनी सगी माँ आमिना के, जो कि मोहम्मद को जन्म देने वाली उसकी असल माँ थी और उसने हमेशा मोहम्मद को अपने से दूर रखा। अमीना ने मोहम्मद को जन्म देने के बाद उसे अपने से दूर करके एक बर्तन में छुपा दिया था और यहाँ तक कि उसने भी मोहम्मद के पैदा होने पर उसे अपना दूध नहीं पिलाया। मगर एक बात बिल्कुल कन्फर्म है कि मोहम्मद को दूध पिलाने वाली पहली औरत शोएबा थी, जो कि खुद अबू लहब की बांदी यानी उसकी गुलाम थी। जिस वक्त अबू लहब को मोहम्मद के पैदा होने की खबर पहुंची तो इस मौके पर अबू लहब ने अपने भतीजे मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में अपनी इस गुलाम शोएबा को आज़ाद कर दिया था और शोएबा ने फिर मोहम्मद को अपना दूध पिलाया। अगर ये ना होती तो मोहम्मद कब का भूख से मर जाता, क्योंकि हमें पता है कि मोहम्मद के पैदा होने के बाद से ही बहुत सी औरतों ने मोहम्मद को गोद लेने से मना कर दिया था और फिर कई दिनों के बाद मोहम्मद आखिर में हलीमा को सौंप दिया जाता है। जहां एक तरफ हदीसों में हमें अबू लहब मोहम्मद पर एहसान करता दिखता है, वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक स्कॉलर्स बेवजह ही अबू लहब को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वो बहुत ही बुरा इंसान हो। मगर इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ने पर यह हकीकत हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि अबू लहब का मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में अपनी गुलाम को आज़ाद करना। ये इस बात को साबित करता है कि अबू लहब को मोहम्मद से कोई भी जाती दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि ये भी हमें बाकी भाइयों की तरह मोहम्मद की मदद करते हुए नजर आता है, जबकि मोहम्मद उस वक्त एक अनाथ था। दरअसल अबू लहब बाकी भाइयों में से सबसे ज्यादा समझदार और जिम्मेदार शख्स था, जिसके सबूत हमें इस बात से मिलते हैं कि जब अबू तालिब, जो कि कुरैश कबीले का सरदार था, जब इसकी वफात हुई तो इसने मोहम्मद, जो कि उस वक्त 53 साल का था, और अबू तालिब मोहम्मद की हिफाजत करता था, मरने के बाद इसने ये हिफाजत की जिम्मेदारी अपने बाकी सभी भाइयों को सौंप दी और ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा भाइयों में से सिर्फ और सिर्फ अबू लहब ने ही निभाई। जी हाँ, अबू तालिब की मौत के बाद ना सिर्फ अबू लहब मोहम्मद की रखवाली करता था बल्कि इसने मोहम्मद को खुली छूट दे दी थी कि वो मक्का में रहकर आजादी के साथ अपने नए मजहब इस्लाम को फैलाने का काम कर सकता है, जैसे चाहे अपने दीन की तबलीग करे, जैसा कि वो अबू तालिब के वक्त में भी करता आया है। और अब अबू तालिब के बाद अबू लहब दुश्मनों से मोहम्मद की हिफाजत करने लगा, यहां तक कि इसने कई बार मोहम्मद के पागलपन के चलते अपने ही कबीले के लोगों से लड़ाइयां भी की। ये वाकया तबकात इब्ने साद में इस तरह आता है, जब अबू तालिब की वफात हुई तो मोहम्मद कई अरसे तक घर से बाहर निकलना बंद कर देता है, जिसके बाद अब कुरैश के लोग खुश हुए कि अब मोहम्मद ने उन्हें परेशान करना बंद कर दिया। मगर तभी अबू लहब मोहम्मद के पास आया और इससे कहता है कि ए मोहम्मद, अबू तालिब की जिंदगी में जो करते आए हो करो, कसम अल्लाह की मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तबकात इब्ने साद की इस हदीस से ये बात क्लियर हो जाती है कि जब अबू तालिब की मौत हुई तो मोहम्मद सिर्फ इस गम की वजह से कि अब उसकी रखवाली करने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं है, तो वो अपने घर में ही छुपकर बैठ जाता है और इस्लाम को फैलाने का काम बिल्कुल बंद कर देता है, जिससे मक्का के लोगों को बड़ी राहत भी हुई कि मोहम्मद ने अब उन्हें इस्लाम के नाम पर परेशान करना बंद कर दिया। मगर तभी अबू लहब, जो कि अपने भाई से वादा कर चुका था कि वो मोहम्मद की हिफाजत करेगा, तो इस जिम्मेदारी को निभाते भाइयों में से सिर्फ और सिर्फ अबू लहब मोहम्मद के पास आता है और इससे कहता है कि ए मोहम्मद, जो भी काम तुम अबू तालिब के वक्त से करते आए हो इसे जारी रखो, कसम अल्लाह की मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इसी तरह सीरत हल्बिया में बाकायदा हेडिंग भी इसी नाम से है, अबू लहब का जज्बा और मोहम्मद की हिफाजत का जिम्मा, जिसमें लिखा है, अबू लहब मोहम्मद से कहता है कि अबू तालिब की जिंदगी में तुम जो कुछ करते आ रहे थे इसे जारी रखो, कसम है मुझे लात और उज्जा की, मेरी जिंदगी तक यानी जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसके आगे लिखा है कि एक शख्स ने मोहम्मद को कुछ बुरा भला कहा और उसे गालियां दी,
जब अबू लहब को ये बात पता चली तो अबू लहब ने शख्स को मारा। और जब इस वाक्य के बाद कुरैश के लोगों के बीच ये बात मशहूर होने लगी कि अबू लहब भी बेदीन हो गया है, यानी वो भी मोहम्मद के बनाए गिरोह में शामिल हो गया है, तो इसके बाद कुरैश कबीले के लोग अबू लहब के पास जमा हुए और इससे पूछा कि क्या आप तुमने भी अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दिया। इस पर अबू लहब इन लोगों से कहता है कि मैंने अपना दीन नहीं छोड़ा, बल्कि मैं तो सिर्फ अपने भतीजे मोहम्मद की हिफाजत कर रहा हूँ ताकि वो जो करना चाहे करे। इसके बाद कुछ अरसे बीत गए और अबू लहब की हिमायत की वजह से कोई भी शख्स मोहम्मद की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, क्योंकि सबके दिलों पर अबू लहब का खौफ बैठ गया था। मगर एक दिन उकबा इब्न मोइन अबू लहब के पास आता है और इससे कहता है कि भला तुम्हारे भतीजे ने तुमको ये भी बताया है कि मरने के बाद तुम्हारे बाप का ठिकाना क्या होगा? उकबा ने अबू लहब को इस बात का एहसास दिलाया कि जिस मोहम्मद की तुम हिफाजत के लिए अपने कबीले के बाकी लोगों से लड़ रहे हो, वही मोहम्मद तुम्हारे बाप को जहन्नुमी कहता है। बस इस वाक्य के बाद से ही अबू लहब को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अबू लहब और मोहम्मद के बीच की ये जंग कोई मजहबी जंग नहीं थी, क्योंकि अबू लहब तो खुद मोहम्मद की हिफाजत किया करता था, और वो भी इस बात को जानने के बावजूद कि मोहम्मद अब उसके अपने खुदा के बजाय एक नए खुदा की इबादत शुरू कर देता है। बल्कि ये इख्तिलाफ सिर्फ सोच का था, मोहम्मद बहुत ही वाहियात आइडियोलॉजी को फैलाने की कोशिश कर रहा था, वो भी जबरदस्ती, जबकि खुद मक्का का गिरोह इसके उलट था। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अब्दुल मुत्तलिब अबू लहब का बाप था। जब मोहम्मद ने खुद उसके मुंह पर उसके बाप को जहन्नुमी कह दिया, तो जाहिर सी बात है कि अबू लहब के लिए यह बात काबिले नाबर्दाश्त थी। एक तरफ अबू लहब ने मोहम्मद की हिफाजत के लिए उसे पूरी प्रोटेक्शन दी और खुद अपने ही लोगों से लड़ा, और वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद उसके बाप को जहन्नुमी भी कह रहा था। बस इसके बाद से अबू लहब ने भी वही काम किया जो उसे करना भी चाहिए था। अबू लहब ने मोहम्मद पर से प्रोटेक्शन हटा दी और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी छोड़ दी, क्योंकि मोहम्मद खुद ही अपनी बातों का जिम्मेदार था, और क्योंकि मोहम्मद ही था जो लोगों को पहले उकसाता था, और इसी वजह से मक्का के लोगों को मोहम्मद चुपता भी था। खैर, इसका आगे लिखा है कि अबू लहब बार बार मोहम्मद के पास जाता और उससे बार बार अब्दुल मुत्तलिब के बारे में पूछता, और मोहम्मद हर बार अब्दुल मुत्तलिब को, अबू तालिब को और बाकी कुरैश के लोगों को जहन्नुमी कहता, और साथ ही साथ मोहम्मद ये भी कहता कि जो कोई भी शख्स अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे मरेगा वो भी जहन्नुमी ही जाएगा। इसके बाद अबू लहब कहता है कि मैं तो भला तुम्हारी हिफाजत किया करता हूँ और तुम मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब को जहन्नुमी कह रहे हो। इसके अलावा तबकात में ये बात बिल्कुल साफ अल्फाज में लिखी है कि अबू लहब ने गुस्से में आकर मोहम्मद से कहा कि तुम अब्दुल मुत्तलिब को जहन्नुमी कहते हो, बस अब आइंदा से मैं तुम्हारा दुश्मन रहूंगा। हालांकि अबू लहब का अपनी दुश्मनी जाहिर करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि उसने कभी भी डायरेक्ट मोहम्मद को कत्ल करने की कोशिश की हो या चालाकी से पीठ पीछे मोहम्मद को नुकसान पहुंचाया हो, बल्कि अबू लहब अब सिर्फ लोगों को चेतावनी देने लगा था कि मोहम्मद झूठा नबी है और इससे दूर रहो। ये बात तफसीर इब्ने कसीर में यूं लिखी है कि रसूल अल्लाह एक एक कबीले के पास जाते और फरमाते कि मैं तुम्हारी तरफ से खुदा का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, मुझे सच्चा जानो, मुझे मेरे दुश्मनों से बचाओ ताकि मैं इस काम को पूरा करूँ जिसका हुक्म देकर खुदा ताला ने भेजा है। आप जहाँ पैगाम पहुँचाकर फारिग होते कि आपका चचा अबू लहब पीछे से पहुँचता और कहता, ए फला कबीले के लोगो, ये शख्स तो तुम्हें लात व उज्जा बुतों से हटाना चाहता है और बनु मलिक और बिन उकेश के तुम्हारे हलीफ जिन्नों से तुम्हें दूर कर रहा है और अपनी लाई हुई गुमराही की तरफ तुम्हें घसीट रहा है, खबरदार ना इसकी सुनना ना मानना। अबू लहब की बीवी और कुरान की आयतों का उतरना। अबू लहब की बीवी जो कि कुरैशी औरतों की सरदार थी और इसका नाम अरवा था, ये हर्ब बिन उमैया की लड़की थी और अबू सूफियान की बहन थी। साथ ही साथ पेशे से ये एक शायर भी थी और इसने मोहम्मद के खिलाफ कुरान की आयतों की तरह ही अपनी खुद की आयतें भी लिखना शुरू कर दिया था। इसकी पूरी कहानी कुछ यूं है कि मोहम्मद एक दिन पहाड़ी पर चढ़ गया और ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा और लोगों को बुलाने लगा, जिसके बाद वहां कुरैश के बाकी कबीले के लोग वहां उस पहाड़ी के पास जमा होने लगे। तो इसके बाद मोहम्मद ने इनसे कहा कि अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे से एक दुश्मन की फौज तुम पर हमला करने वाली है तो क्या तुम मुझे सच्चा समझोगे? सबने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तुम उस पहाड़ी की चोटी पर हो और हमसे बेहतर देख सकते हो।
इसके बाद मोहम्मद ने कहा, सुनो मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब के आने की खबर दे रहा हूँ। बस फिर इस मौके पर एक गजब की घटना हुई, जिससे ये बात पूरी तरह से साबित होती है कि कुरान सिर्फ नकल करके ही बनाया गया। मिसाल के तौर पर ऐसी कई सारी हदीसें हजरत उमर की मौजूद हैं, जहां उमर के कहे गए अल्फाज को मोहम्मद ने हूबहू नकल करके खुदा का कलाम बता दिया था। और यही हाल कई सारे कातिबे वही के साथ भी हुआ। और अब यहां कुरान के नकल की इंतहा देखें। अबू लहब ने अपने भतीजे मोहम्मद को गुस्से में आकर जो अल्फाज कहे थे, वही हूबहू अल्फाज अल्लाह का कलाम बन जाता है। उस वक्त अबू लहब ने मोहम्मद से कहा था कि ए मोहम्मद, तेरे हाथ टूट जाएं, तू हलाक हो जाए, क्या तूने हमें इसी काम के लिए बुलाया है? फिर इस मौके पर कुरान की ये सूरत उतरी, सूरत तब्बत, जिसमें मोहम्मद ने अपने चचा अबू लहब से उसी के अल्फाज में उससे बदतमीजी की। और साथ ही साथ मोहम्मद ने उसे और उसकी बीवी, जो कि खुद रिश्ते में मोहम्मद की चाची थी, इन दोनों को मोहम्मद ने धमकियां दे डाली और जहन्नुम के अजाब का ताना भी मारा। यानी पूरी कायनात के क्रिएटर ने अबू लहब की जबान में ही उसे धमकी दी और कहा कि ये शोले मारने वाली आग में जो सख्त जलाने वाली है और बहुत तेज है दाखिल होगा, और इसकी बीवी भी कयामत के दिन अजाब में होगी और लकड़ियां उठा उठा कर लाएगी, और जिस आग में इसका शोहर जल रहा होगा वहां वो लकड़ियां डालती जाएगी, और इसके गले में आग की रस्सी होगी और जहन्नुम का ईंधन समेटती रहेगी। मोहम्मद की इस गुस्ताखी के बावजूद अबू लहब मोहम्मद के अल्फाज सुनता है और फिर बिना गुस्सा हुए वहां से चुपचाप चला जाता है, और साथ ही साथ बाकी कबीले के लोग भी वहां से चले गए। और इस वक्त भी मोहम्मद की बातों को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। यहां तक कि मोहम्मद की बदतमीजी के बावजूद भी अबू लहब ने मोहम्मद से कुछ नहीं कहा। मगर अबू लहब की बीवी ये सब जानने के बाद बहुत गुस्सा हुई कि मोहम्मद ने कुरान की आयतों में उसका और अबू लहब का जिक्र किया है। ये सुनने के बाद वो गुस्से में मोहम्मद को ढूंढने निकल गई। उस वक्त मोहम्मद काबा के पास बैठा हुआ था, और उस वक्त मोहम्मद के साथ अबू बकर भी वहां मौजूद था। उम्मे जमील आकर हजरत अबू बकर के पास खड़ी हो गई और अबू बकर से कहने लगी, मुझे मालूम हुआ है कि तेरे साथी ने मेरी बुराई बयान की है, यानी शेरों से मेरी गुस्ताखी की है। अबू बकर ने कहा कि मोहम्मद ने तेरी कोई बुराई बयान नहीं की। इसके बाद उम्मे जमील ये कहकर वहां से चली गई कि जिस तरह मोहम्मद मेरे ऊपर आयतों के जरिए शायरी करता है, मैं भी इसके खिलाफ इसी तरह की शायरी लिखूंगी। और फिर इसने ये शायरी की जो इब्ने हिशाम में मौजूद है। ये मजम्मत की हमने, नाफरमानी की हमने, और इसके हुक्म से इनकार किया और इसके दीन को कबूल नहीं किया। मोहम्मद की बेटियों का तलाक। जी हाँ, मोहम्मद ने अपनी दो बेटियों का निकाह अबू लहब के दोनों बेटों से करा दिया था। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि ये वाकया नबुवत से पहले का है, और ये दोनों शादियाँ इस बात को पूरी तरह से साबित कर देती हैं कि अबू लहब के साथ मोहम्मद के कितने अच्छे ताल्लुकात थे। मगर अबू लहब जालिम इंसान था, जैसा कि अक्सर लोगों को गलत फहमी है। तो क्या भला मोहम्मद ने एक जालिम के घर अपनी बेटियों का निकाह कराया होगा? इब्ने हिशाम में लिखा है कि मोहम्मद ने अपनी बेटी रुकैया और उम्मे कुलसूम का निकाह अबू लहब के दोनों बेटों से कर दिया था। इस बात कुरैश के लोगों ने कहा कि मोहम्मद ने तो अपनी बेटियों का निकाह कराकर इनकी देखभाल से बिल्कुल फारिग हो गया है, क्योंकि उस वक्त मोहम्मद फिर से कंगाली वाली जिंदगी जीने लगा था। और अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्क्रिप्चर, सूरत तब्बत के बाद अबू लहब मोहम्मद से गुस्सा हो गया था, और उसने फैसला किया कि वो अब और देर तक मोहम्मद की बेटियों को अपने खर्चे पर नहीं रखेगा। इसलिए उसने अपने बेटों से मोहम्मद की बेटियों को तलाक देने के लिए कहा। और इसी के साथ कुरैश के और लोग भी अबू लहब के बेटों के पास गए और इनसे कहा कि तुम दोनों मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो और उसके बदले में कुरैश में से कोई और औरत अपने लिए रख लो। उतबा ने मोहम्मद की बेटी रुकैया को तलाक दे दिया, और फिर रुकैया की शादी मोहम्मद ने एक और अमीर नौजवान से करा दी, जिसका नाम उस्मान था। इसके अलावा अबू अल आस ने मोहम्मद की बेटी उम्मे कुलसूम को तलाक देने से साफ मना कर दिया और कहा कि वो किसी भी कीमत पर तलाक नहीं देगा, बल्कि उसको लट वो मोहम्मद ही था जिसने खुद अपनी ही बेटियों को इनसे अलग कर लिया था, क्योंकि खुद इस्लामिक कानून के मुताबिक भी ये चीज़ जायज़ नहीं कि मुस्लिम औरत गैर मुस्लिम के निकाह में रहे। और आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह हिजरत के बाद उस्मान ने मोहम्मद की दोनों बेटियों के साथ निकाह करने के बाद क्या सलूक किया, किस तरह उस्मान हर वक्त गुलाम लौंडियों के साथ अय्याशी करता रहता था।
यहां तक कि उसने अपनी बीवियों को भी जब वो बीमार थी बदसलूकी की। अक्सर करके मोहम्मद की बेटियां मोहम्मद से उस्मान की शिकायत करती थी, मगर मोहम्मद ये सब अनदेखा करता था। और आखिरकार किस तरह एक एक करके इन दोनों का भी इंतकाल हो जाता है, वो भी उस्मान की बदसलूकी की वजह से। तो ये थी हकीकत अबू लहब पर अल्लाह के अजाब उतरने की आयत की। मोहम्मद के साथ जो कुछ बचपन में हुआ था उसके बाद मोहम्मद के लिए रिश्ते नातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, वो एक दिमागी मरीज बन चुका था। लेकिन अबू लहब एक समझदार और जिम्मेदार इंसान था जिसने पूरी कोशिश की कि वो अपने भाई अबू तालिब को दिया वादा निभाए और मोहम्मद की हिफाजत करे। लेकिन उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मोहम्मद उसके उसी भाई और बाप को जहन्नुमी कहता था, जिस वजह से वो मोहम्मद के खिलाफ हो गया। बस इतनी बात पर मोहम्मद के बनाए अल्लाह ने अबू लहब की जबान में ही उसे कोसा, जो आज खुदा की किताब में दर्ज है, जो कि हमेशा हमेशा के लिए इंसानियत के लिए बनाई गई थी। यानी अबू लहब को मोहम्मद ने अमर कर दिया, जो अगर बुरा होता भी तो कोई मुसलमान उसका नाम ना लेता, वहीं आज पूरी कौम उसे याद करती है और उसे जानती है। क्या इस सूरा को पढ़कर भी कभी आपको नहीं लगा कि ये किसी कायनात को बनाने वाले का कलाम नहीं? जहालत की इंतहा यह है कि ये वो सूरा है जो अक्सर लोग पांच वक्त की नमाज में भी पढ़ते हैं। यानी पांच वक्त उस आम इंसान को कोसते हैं जो 1400 साल पहले मर चुका है। क्या यही दीन है? क्या यही वो हक है जिस पर इतना इतराते हो? क्या आपका ईमान आपकी अकल पर इतना हावी है कि आप एक इंसान के कोसने को कायनात के बनाने वाले का कलाम मान लेते हो? अगर हम दूसरे को बेवकूफ बनाए तो शायद हम कुछ समझदार हों, लेकिन जब हम खुद को ही बेवकूफ बनाना शुरू कर दें तो बेशक हमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। मोहम्मद की कहानी जारी रहेगी और ऐसे ही आपको उसकी जिंदगी के चौंकाने वाले किस्से मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे जल्दी ही अगले किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज़।